अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके सामने एक गाड़ी है जी, अपने दौर की बहुत ही कामयाब गाड़ी, 1982 करोला, इसको कहते हैं जी 82 करोला। हमारे एक दोस्त के पास थी, मैंने सोचा कि इसका भी रिव्यू बनाया जाए, और बहुत ही एंटीक गाड़ी है, ज़बरदस्त गाड़ी है ये, काफ़ी अरसे से इनके पास है गाड़ी। पहले इसको चारों तरफ से देखते हैं, ये चूँकि एजिंग के हिसाब से 82 की गाड़ी है, और 82 मेरी अपनी डेट ऑफ बर्थ है, और डेट ऑफ बर्थ मतलब अभी मेरी एज जो है वो 38 ईयर्स हो गई है अभी 2021 में, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गाड़ी भी इतना अरसा चल चुकी है। तो इंसान बूढ़े हो जाते हैं, गाड़ियां भी बूढ़ी हो जाती हैं, लेकिन ये होता है कि इनका मेंटेनेंस होती रही, चलती रहती हैं समहाउ। हाँ, गाड़ी ये मर्दान नंबर की गाड़ी है, और काफ़ी अरसे से इनके पास है गाड़ी। इसको ओवरऑल देखा जाए तो बड़ी खूबसूरत लुक में है, छोटे मोटे इसमें जो स्क्रैचेस और वो चीज़ें हैं, लेकिन ओवरऑल अगर गाड़ी को बाहर से देखा जाए तो ये अच्छी है, थोड़ा सा पेंट वर्क मांगती है। अंदर से देखें तो इसका रूम चूंकि फुली मेंटेन नहीं हुआ हुआ, लेकिन अपनी ओरिजिनल हालत में ये 82 करोला जो है अपने दौर का बहुत ही कामयाब मॉडल है। इसका डैशबोर्ड ज़रा इस गाड़ी का देखें, ये बिल्कुल ओरिजिनल हालत में है जिस तरह कंपनी से, और इतना ज़्यादा इसमें वियर एंड टीयर नहीं हुई, सिर्फ सफाई वगैरह की थोड़ी कमी है, वो हो जाए तो ये गाड़ी। सीटें इसकी जो हैं वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई हुई हैं, लेकिन जो इसमें सफ़र करने का मज़ा है, बिलीव मी के इट इज़ वेरी कम्फर्टेबल स्टिल, अभी भी जो आजकल की गाड़ियाँ आई हुई हैं उनके साथ कंपेरेबल है, और बहुत ही मज़े की गाड़ी। अच्छा जी, इंजन देखते हैं। इंजन रूम इसका अंदर से बिल्कुल ही बेहतरीन, अपनी सीलों में कोई सील डिस्टर्ब नहीं है, फ्रंट से कोई गाड़ी हिट नहीं हुई, ये अपने इसकी जो फ्रंट पट्टी है, ये शॉक्स जहाँ पे लगते हैं, ये तमाम चीज़ें अपने पेंट में है। और ये जो इंजन है इसमें 4K इंजन आता है, ओरिजिनल वही इसके अंदर डला हुआ है। एसी का सारा सिस्टम इसमें लगा हुआ है, इंस्टॉल हुआ हुआ है। एसी इसका वर्किंग में नहीं है, गैस वगैरह नहीं है इसमें, लेकिन सारा सामान इसका एसी का इंस्टॉल्ड है बीच में। ओवरऑल गाड़ी अंदर से साफ़ सुथरी हालत में। डिकी को देख लेते हैं जी, इसकी ट्रंक थोड़ा सा इस साइड से, ये कहीं किसी टाइम पे हिट हुई होगी तो उसमें पुटीन लगी हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ओवरऑल ये ठीक है। बैक जो इसकी स्पेस है ट्रंक की, वो अच्छी खासी है अपने दौर के हिसाब से, अपने डिज़ाइन के हिसाब से अगर इसको देखा जाए तो स्पेशियस है जी। व्यूअर्स, ये थी 82 करोला का एक छोटा सा ग्लिम्प। मैंने सोचा कि हमारे मेरे एक दोस्त हैं, उनके पास है, तो चूंकि बहुत रेयर मिलती है मार्केट में, तो आज मेरे पास आए जब वो, तो मैंने कहा यार ज़रूर मैं अपने जो चैनल पे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनके साथ इसको ज़रूर शेयर करूँगा। तो इसके बारे में अगर मेरा कोई व्यूअर, कोई सब्सक्राइबर अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता हो तो वो भी कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और अगर कोई ख़रीदना चाहता हो तो भी यू आर मोस्ट वेलकम। ये जो गाड़ी है इसकी प्राइस एनालिसिस का बता दूं, जो बहुत अच्छी गाड़ी है, लोग बहुत ज़्यादा अब इसकी डिमांड करते हैं एंटीक गाड़ी के हिसाब से, लेकिन अभी इस वक्त जो इस गाड़ी की डिमांड है ये 1982 की करोला है, ये 3 लाख रुपीज़ इसकी डिमांड कर रहे हैं, और ऑब्वियसली अगर वो सेल करेंगे तो जब भी कोई परचेज़र आता है, बायर आता है, तो वो अपने हिसाब से ऑफ़र देता है, समहाउ मार्केट में आपको 3 के अराउंड ये गाड़ी, अच्छी गाड़ी मिल जाती है। तो आई थिंक दैट्स इनफ। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो आप ज़रूर पूछें, और आई होप कि आपको पसंद आएगी वीडियो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए वेट करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।